फाइनली मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ। अभी मेरे बन रहे हैं दाल चावल, क्योंकि तो ऑफिस में मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और ब्रेकफास्ट में मैं बना के ले गई थी साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ लोडिंग अनलोडिंग एरिया में, जहाँ पे मुझे पार्सल लेना। ऑफिस से घर आ गई हूँ, अभी मेरे बन रहे हैं दाल चावल, क्योंकि लंच मेरा आज बना था, मैंने बनाया था सुबह, ब्रेकफास्ट में बनाया था साबूदाना की खिचड़ी और क्या बनाया था, हाँ मशरूम मटर की सब्जी रखी थी तो वो ले गई थी मैं, और अपना यानी कि रोटी बना के ले गई थी, क्योंकि पराठे मेरे से डेली नहीं खाया जाता है इसलिए। और अभी हल्का सा कुछ खाने का मन हो रहा था तो अभी मेरी चाय वगैरह हो गई है, तो अभी दाल चावल रख दिए बनने के लिए। और फाइनली आप लोगों में से जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि दीदी आप जॉब कहाँ कर रहे हो, अपने बारे में डिटेल में बताया करो सारी चीज़ें, तो अब से मैं अपने बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी, जैसे कि आप लोगों को पता चलता रहे। आप लोग बोलते हो लक्ष्मी क्या चल रहा है क्या चल रहा है, कुछ बताते ही नहीं हो, तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं देखते तुम्हारा, तो मैं तो हर कुछ बताती हूँ, आप लोग ही नहीं देखते तो मैं क्या करूँ, है ना। हाँ ना, कोई नहीं, ये पता है मेरी फ्रेंड है जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये में रहती है, और फाइनली अब मिली है जाके और नहीं यार सीरियसली मतलब एक साल हो गया मुझे पुणे आए हुए, घर पे आके सारा खाना वाना खा के आराम से लेटे हुए, और ये देखो वॉइस कैसे, बाबू सुनाना थोड़ा। ये मेरी वॉइस है, इन्होंने चेंज की है, हम लोग डबिंग करके देख रहे थे कि कैसा होता है। बाबू बहुत गंदा लग रहा है, ओरिजिनल वॉइस में देखो कैसा है, ओरिजिनल वॉइस में देखते हैं। तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, कल मेरी 12 बजे की शिफ्ट है, तो 12 बजे जाना है, यानी कि 11:30 बजे निकलूँगी घर से, और कल मैं उठूँगी 9 बजे, और अभी हो गया 11:30 हो गया, तो आप मिलते हैं अगले दिन और अगली सुबह और अगली भूल। तो यहाँ पे ये मुझे लेने आए थे और इनके ऑफिस से कॉल आ गया था, तो इनका भी काम चल रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ हम जाएंगे घर। फाइनली अब जाके मैं घर पे पहुँची हूँ, चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, अब मैंने रखी है चाय, तो रात को 11 बजे मैं पहले बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैं 12 बजे गई थी, आज मेरी सेकेंड शिफ्ट थी, क्लोजिंग का काम सिखाया जा रहा है, तो क्लोजिंग कैसे करते हैं और मैं आपको बताऊँगी मैं किस में काम कर रही हूँ, क्या कर रहे हो, क्या क्या नया होने वाला है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी फटाफट मैं अपना काम करूंगी, क्योंकि फिर से सुबह उठना है, फिर से सारी चीज़ें करनी है, तो जल्दी जल्दी करूंगी सब। तो आप लोगों ने जो क्लिप देखी उसमें से मैंने काफ़ी क्लिप ऐड की है, और मेरा कोई ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पर मैं किचन में अपना सारा काम फटाफट से करूँगी, और मेरी यही कंडीशन होती है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चलती है और सुबह से शाम तक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रहती है। तो इसमें मेरी खिचड़ी बन रही है और किचन मेरा बहुत ज़्यादा मैस, मैं खाना वगैरह खा लूँगी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म साफ करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी अब नहीं है कथा करने की, और अब तो बस ये खाना वाना खा के सीधे सो जाना है, क्योंकि मॉर्निंग फिर मुझे उठना है जल्दी, और फिर मुझे 12 बजे जाना है, और फिर रात को 10 बजे आना है, तो मेरी इस टाइम पर परेड हो रही है आना जाना, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फाइनली मैं ऑफिस आ गई हूँ, ऑफिस में आ गई थी 12 बजे से पहले, और यहाँ पे मैं स्टॉक भैया का वेट कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा सिस्टम होता है कि लाइक सामान वगैरह कुछ भी आता है तो वो यहाँ से हम निकालते हैं, तो अभी उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तब मैं जाती हूँ और आपको बताऊँगी अपनी जॉब के बारे में। तो प्लूटो के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है पुणे में, तो यहाँ पे AC चल रहा था, और मैं आपको दिखाती हूँ
की एसी की ठंडी ठंडी हवा हमारे प्लूटो जनाब कैसे खा रहे हैं, और इनको बड़ा मज़ा आता है ठंडी ठंडी हवा में। और अब ये हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये आप देख रहे हैं ना।